नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी के प्रोडक्शन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लंका प्रीमियर लीग में होने वाले दूसरे T20 लीग मुकाबले की, जो कि खेला जाने वाला है डम्बुला ग्लाइंट्स वर्सेस कैंडी वॉरियर्स के बीच में। अब से लगभग 27 घंटे के बाद, मतलब लगभग 3 बजे ये मुकाबला खेला जाने वाला है GG वर्सेस KW के बीच में। 6 तारीख को ये मुकाबला होगा। काफ़ी मज़ेदार मुकाबला दोस्तों दोनों ही टीमों को देखने को मिल सकता है दोनों ही टीमों के बीच में। तो आज हम इसी मुकाबले पे चर्चा करेंगे, देखेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस एंड पूरा स्क्वाड देखेंगे दोनों ही टीमों का। हम देखेंगे अपने प्रोबेबल प्लेइंग 11, कौन से खिलाड़ी खेल सकते हैं कौन से नहीं, पिच रिपोर्ट पे भी चर्चा करेंगे, बाकी की प्लेयर्स पे भी चर्चा करेंगे। ये सभी चर्चाएँ इस वीडियो में हम करेंगे, बट उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल VK प्रोडक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें लेटेस्ट ताज़ा अपडेट पाने के लिए। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। हेड टू हेड की लगभग सभी पॉसिबल टीम आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ओके, फाइनल लाइनअप की। सो आइए शुरू करते हैं। तो बात करें पहले मैच की कुछ इस पॉइंट्स पर। तो जैसा कि मैंने कहा था, DG वर्सेस KW लंका प्रीमियर लीग का पहला मैच, मतलब माफी चाहूँगा दूसरा मैच 6 तारीख को 3 बजे खेला जाएगा। अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो आप रामदास स्टेडियम में ही ये मैच होगा कोलंबो की। बैलेंस पिच है, एवरेज ऑफ फर्स्ट इनिंग में इसका स्कोर देखा जाए लास्ट 5 मैचों से 186, मतलब बैटिंग पिच है, बैट 170 से 180 बन सकते हैं। यहाँ पे स्पिनर्स को फ़ायदा है, कम से कम 73% विकेट जो स्पिनर्स यहाँ पे लेके जाते हैं। चलिए अगर टीम स्क्वाड की बात की जाए DG और KW दोनों की, तो डम्बुला ग्लाइंट्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे सोए मकसूद, कालन परेरा, रमेश मंदेश, निरूसन दिग्वेला, मधुसन, रविचंद्र कुमार, लहरा उदारा, सचित्रा जाधिगे, एम लस्काना, इमरान ताहिर, त्रिमांदु रत्नायके, नजुल जर्दान, ओ इसमें सी करुणारत्न, जे लिटिल, आर रसो, जे लिहंगे, डी जनाका, नुआन प्रदीप, चमिका एंड STLIS। चलिए बात कर लेते हैं अगर कैंडी की, मतलब कैंडी वॉरियर KW, तो वी फर्नांडो, केसरनाथ, नजमुल इस्लाम, कैम मिश्रा, कैमर सी डेलपॉड, आर पावल, रॉबिन पावल, STULZAN, लोहरा कुमार, आयान श्रीवर्धने, उद्रा जय सुद्रेर, सुनेंद्रा, मेहंदी हसन राणा, अंजिलो परेरा, चेरित्रा श्रीलंका, नीम शेख विमुति, अमजद गुल खान, असिला करुणरत्ने, मिलिंदा श्रीवर्धने, आयज ईशान जयरत्ने, मोहम्मद मिथुन एंड किमांडू मेंडिस। चलिए अगर इसकी बात कर लेते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 मेरी किया है दोनों टीमों की, मैं आपको बता दूँ डम्बुला ग्लाइंट्स में मैंने देखिए चमिका करुणरत्ने, रमेश मेंडिस, रंजीत एंड डी सनाका एज अ कैप्टन, निजुल जर्दान, आर रैसो एंड डिगवेला एज ए विकेट कीपर, इमरान ताहिर, ओ इसमें सोए मकसूद एंड प्रदीप एंड जे लिटिल। वहीं अगर कैंडी वॉरियर्स की बात करें, यहाँ पे आपको नजर आएंगे मोहम्मद मिठून, मेहंदी हसन राणा, रोहन पाबल, चरित्र श्रीलंका, लिंदा श्रीवर्धने, नजमुल इस्लाम, अमजद कुल खान, अंजिलो परेरा, लोहरा कुमार, एक रत्ने एंड सी डेलपॉड। ये दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 हो सकती है कल के मैच की। एंड अगर की प्लेयर्स की इस मैच में बात करते हैं तो यहाँ पे जब की प्लेयर देखिए डम्बुला ग्लाइंट्स की बात की जाए तो यहाँ पे वो इसमें सोए मकसूद, निक टिकपेला एंड प्रदीप एंड इमरान ताहिर, मतलब बॉलिंग सेक्शन यहाँ का मजबूत है। एंड कैंडी की बात की जाए मोहम्मद मिठुन, अंजिलो परेरा, लोहरा कुमार, सी डेलपॉड एंड एम श्रीवर्धने। यहाँ पे एक और नाम है मेहंदी हसन राणा, वो यहाँ पे नहीं लिखा है तो आप उन्हें ज़रूर याद रखिएगा। मेहंदी हसन भी एक अच्छी ऑप्शन रहेगी इस मैच में अगर खेलते हैं तो। तो चलिए बात करते हैं अब, ये तो रही थी टीम के कुछ पॉइंट्स की, अब चलिए टीम पे ध्यान देते हैं। अगर टीम बनाए तो कुछ इस तरह से विकेट कीपर है, जब विकेट कीपर में लूँगा एन डिकवेला को, बहुत अच्छी ऑप्शन रहेगी। मोहम्मद मिठुन अगर खेलते हैं तो ले सकते हैं रिस्क पे, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। चलिए बैटिंग सेक्शन की बात करें, नजमुल जर्दान, रोहन पावल बहुत अच्छी फॉर्म है, बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकते हैं, सोए मकसूद, CS लंका को मिलूंगा,
लंका के पीछे हैं, तो लंका के प्लेयर्स बेटर रहेंगे। सोहेम अख्तर उतना अच्छा फॉर्म में है नहीं भी। बॉलिंग सेक्शन पहले देख लेते हैं, माफी चाहूँगा ऑलराउंडर सेक्शन, तो एगर रत्ने, डी एस लंका, एंड यहाँ पे आर मेनेंडेस, रंजीता मेनेंडेस हैं, मैंने माफी रमेश मेनेंडेस हैं। सी करुणा रत्ने को आप ले सकते हैं, फिलहाल मैं अभी नहीं ले रहा हूँ, बाकी इच्छा है कि आप लेते हैं या नहीं। किमारो मेनेंडेस अच्छी ऑप्शन रहेंगी, किमारो मेनेंडेस को आप ले सकते हैं, किमांडो मेनेंडेस यहाँ पे एक अच्छी ऑप्शन रहेगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, किमांडो मेनेंडेस को डाल रहा हूँ। बॉलिंग में इमरान ताहिर, एम डिलिंगे एंड लोहरा कुमार, तीनों को ही मैं ले रहा हूँ ऊपर के। देन एन प्रदीप को भी ले सकते हैं, वी फर्नांडो को भी ले सकते हैं। वी फर्नांडो को मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वी फर्नांडो को ले रहा हूँ। एंड मैं किमारो मेनेंडेस की जगह लेना चाहूँगा जे लिटिल को। तो टीम कुछ इस तरह से बन रही है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एज अ विकेट कीपर मैंने यहाँ पे लिया है निक डिकवेला। थ्री बैट्समैन लिए हैं दोस्तों, निजुल जर्दान, सी एस लंका, रोहन पावेल, एंड टू ऑलराउंडर्स, डी एस सनाका, आय करुणाथ हैं। फाइव बॉलर्स के साथ मैं जा रहा हूँ, मुझे लगता है बॉलिंग काफ़ी मजबूत होगी यहाँ पे। तो इमरान ताहिर, एम बी फर्नांडो, लोहरा कुमार, एम डी लिंगेज एंड जे लिटिल। अगर आप चाहें जे लिटिल को मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, मैं जे लिटिल की जगह लेना चाहूँगा, थोड़ा सा सरप्राइज, मेहंदी हसन राणा। मेहंदी हसन राणा बहुत अच्छे बॉलर हैं बांग्लादेश के, मुझे लगता है कुछ कमाल को दिखा सकते हैं। ब्रिस्क पे लिया मैंने मेहंदी हसन राणा को, आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, लिटिल को ले सकते हैं। ओके, तो टीम कुछ इस तरह से लगेगी, चलिए इसे सेव कर देते हैं। कैप्टन के तौर पर मैं लेना चाहूँगा, बिल्कुल कन्फर्म है मेरा रॉयन पावेल, बिकॉज बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकते हैं ये खिलाड़ी। वाइस कप्तान पे एक सी एस लंका बहुत अच्छी ऑप्शन रहेगी, निक डिकवेला एंड इमरान ताहिर जैसे खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो अच्छी ऑप्शन रहेगी, बट मैं इन दोनों के साथ जाना चाहूँगा। अगर आप चाहें तो ताहिर को एज ए वाइस कप्तान ले सकते हैं, अच्छी ऑप्शन है। सो एक बार टीम पे नज़र डाल देते हैं, देखिए टीम फाइनल हो चुकी है। निक डिकवेला, निजुल जर्दाना, सी एस लंका, रॉयन पावेल एज कैप्टन, टू ऑलराउंडर सनाका, करुणा रत्ने, इमरान ताहिर, एम डी लिंगेज, बी फर्नांडो, मेहंदी हसन राणा, लोहरा कुमार। एंड उसके अदरवाइज अगर आप कोई प्लेयर लेना चाहें, कौन कौन से ले सकते हैं, देखिए बैटिंग में आप ले सकते हैं सोहेम अख्तर, टेलपर्ट, दोनों अच्छे ऑप्शन है, एंजिलो परेरा भी अच्छी ऑप्शन है। एंड यहाँ पे आप देखिए किमांडो मेनेंडेस एंड सी करुणा रत्ने, मैं किमांडो मेनेंडेस को ट्राई करना चाहूँगा। बॉलिंग में तो मेरे पास सभी ले ही लिए हैं, एंड प्रदीप हैं इसके अलावा, और चेल अतिल हैं, बाकी कोई इतनी अच्छी ऑप्शन अब यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। सो आई होप फ्रेंड्स प्रेडिक्शन अच्छी लगी हो, अगर प्रेडिक्शन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना लेटेस्ट ताज़ा अपडेट पाने के लिए। ओके, एंड साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हेड टू हेड के लगभग सभी पर्सनल टीम पाने के लिए। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, थैंक यू।